ये चीज तो क्लियर है कि जो पेपर्स आप लोगों को देने हैं, खासकर M2 और M3, यानी कि वेब डिजाइनिंग और आप लोगों का पाइथन, ये प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो अगर आप लोगों को, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें आप लोगों को मोर देन 60 से 70% क्वेश्चंस आप लोगों के सिंटेक्स के होंगे, यानी कि कमांड्स के। अब पाइथन में जो कमांड्स जिसको नहीं आते तो वो पाइथन क्वालिफाई नहीं कर सकता। उसी तरीके से आप लोगों का M2 का जो पेपर है, उसमें आप लोगों का HTML, CSS, जावा फ्रेमवर्क, इन पर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट एक सीरीज दे रहा हूँ, उस सीरीज को आप लोग फिनिश कर लीजिए तो आपका पूरा M2 आराम से निकल जाएगा। M2 वाले कोर्स जो आपने लिया हुआ है हमारे एप्लीकेशन से, उसके अंदर आप आइए। इसमें आप लोगों को एक गेस्ट पेपर नाम का एक फोल्डर मिलेगा। इसमें मैंने पूरी टेस्ट सीरीजेस आपको सॉल्व करा रहे हैं, साथ ही साथ आपके पुराने पेपर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जो हम लोग इसमें ओरिजिनल पेपर्स विद सॉल्यूशंस के साथ डाल रहे हैं। अगर टाइम कम है तो आप लोग क्रैश कोर्स फिनिश कर लीजिए, ये छोटे छोटे वीडियोस में सारा खत्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बच्चों आज जो बताने जा रहा हूँ वो आपका सिलेबस के जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, कि आपको इन प्रैक्टिकल्स को कर लें तो ये फिनिश हो जाएंगे, आपको उसके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को टेबल्स मेनूज पूरे पूरे समझा देता हूँ, तो उससे आप लोगों के M2s के अंदर जितना भी टेबल है, फॉर्म है, फ्रेम सेट है, वो सब क्लियर हो जाए, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे अपने MCQ टेस्ट में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को CSS के 7-8 टॉपिक्स बता दूंगा, और बस आप लोगों का CSS और फ्रेमवर्क भी खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम लोगों को इन सिंटेक्स का यूज नहीं आएगा समझ में। तो अभी जैसे मैं आपको अभी जो देने जा रहा हूँ वो आपके HTML के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें अभी आप लोग देखेंगे कि HTML में पहला सवाल है एक टेबल बनाना। सिंपल सा टेबल आप लोग बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा टेबल मेनूज कैसे काम करता है। इसके कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजिली कर लेंगे। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इस तरह का एक टेबल डिजाइन करना जिसमें पैडिंग का यूज हो रहा है। तीसरा, टेबल्स का क्लिक कैसे करते हैं, यानी HREF कमांड कैसे काम करता है। उसके बाद आप लोगों को यूज करना है एक फॉर्म, इसमें आपका HTML के सारे कोड्स फॉर्म वाले यूज में आ जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग तीन तीन चार चार क्वेश्चंस लगा लेंगे, आपका पूरा का पूरा HTML, CSS, जावा, ये सभी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों, और ये प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपको ये सारे कमांड्स यूज करने को मिल जाएंगे। इसी में आगे देखेंगे हम लोग कुछ और छोटे छोटे टेबल्स। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला एक टेबल का है क्वेश्चंस, जिसमें आपको टेबल टूल यूज करने हैं, यानी टेबल कमांड यूज करने हैं, जिसके अंदर 5x4 का एक टेबल बनाना है सिंपल से HTML से। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले सबलाइन ओपन करना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप लोग नोटपैड में भी कर सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस में डिस्कस कर ली थी कि आप लोगों के सिलेबस में नोटपैड प्लस प्लस भी है। तो अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो आप लोग इस पर भी अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए आज हम लोग इस पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का सबलाइन तो है ही। आप लोगों को जब एग्जाम मिलेगा तो उसमें क्यों होंगे, उसमें तो आपको ये कुछ नहीं करना। हाँ, जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप लोगों को एक क्वेश्चन जो मिलेगा उसके नीचे एक छोटी सी विंडो होगी जिसपे आप लोग ये सारी चीज प्रैक्टिकली कर पाएंगे, मतलब उसी में सबमर्ज होती है। आपको अलग से फ्रेम सेट खोलने की जरूरत नहीं है, या अलग से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें आपको ऊपर टेबल और ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। आप लोग जैसे इसमें HTML वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आप लोग प्रैक्टिकल पे जाकर प्रैक्टिकल दे पाएंगे। और मैं इसको शुरू में ही सेव कर लेता हूँ और टेबल डॉट HTML के नाम से कर देता हूँ। यहां पर हमने टेबल टैग लिखा, देखिए टेबल आ गया। सबसे पहला कमांड बताइए क्या था, टेबल रो। इसमें आप लोग पहली रो डाल दीजिएगा और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, टेबल हेडिंग्स। इससे क्या होगा, पहली रो जो तैयार होगी उसकी टेबल्स की सारी हेडिंग्स हम लोग बना पाएंगे। तो मैं इसको पैक करता हूँ, चलता हूँ, आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने पहली रो बना ली और उसके अंदर ये लिख दिया, और मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि अभी तक ये ऐसा दिख रहा है। देखिए ये आ गया इस तरीके से, तो ये पहली रो आपको दिखाई दे रही है, ऐसी बनकर आ गई। अब इस रो के अंतर्गत हम लोगों को चेंज क्या करना है, पहले तो हम लोग इसके अंदर बॉर्डर डाल देते हैं। बता सकते हैं इस टेबल टैग के अंदर बॉर्डर डालने के लिए हमें टेबल के, ये तो टैग हो गया, टैग की हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो टैग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं,
बॉर्डर, और इसके अंदर हमने लिख दिया दो। तो ये तो हो गया टैग, ये हो गई टैग का एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी कह लीजिए, एट्रीब्यूट कह लीजिए, और ये टू क्या है, उसकी वैल्यू। ठीक, अब मैं इसको आउटपुट फिर से दिखाता हूं, तो आपको टेबल का एट्रीब्यूट डालने के बाद ये देखिए ऐसा आपको दिखाई देने लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमें एक तो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, इसी तरीके से मेरे को दो रोज और ऐड करनी है, तो हमने दो रोज इसी के नीचे ऐड कर दी, और एक रो यहां से खत्म होती है, एक रो और ऐड हो गई। ये देखिए इस तरीके से। आप लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें चार हेडिंग्स हैं, तो चार कॉलम्स हम लोगों ने ऐड किए हैं। और अब मैं इसको रीलोड करता हूं, तो आप लोगों को इसका आंसर्स कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। इजी है, आप इसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। अच्छा, इसमें थोड़े से एट्रीब्यूट्स और भी पढ़ लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है ये थोड़ा सा चौड़ा हो, तो हम लोगों को बस इसमें चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, यहां पर हम लोग एक एट्रीब्यूट और चौड़ डाल देंगे, विड्थ। और विड्थ परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं 50% हो, या फिर पिक्सल में, यानी कि इसकी विड्थ की चौड़ाई लंबाई भी ऐसे दे सकते हैं। इसी में हम लोग एक और डाल सकते हैं, अलाइन, अलाइन इक्वल टू राइट, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू सेंटर। अब इन एट्रीब्यूट से काफी चेंजेस हो जाएंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। आपने देखा कि ये आपका चौड़ा भी हो गया 600 पॉइंट्स, और सेंटर में भी आ गया स्क्रीन का। तो इन एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखिएगा। अगला बच्चों है हमारे पास एक पैडिंग। पैडिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कभी भी दो चीजें के बीच में स्पेस देने के लिए। जैसे ये अगर आप लोग सेल देख रहे होंगे, तो आप लोग इस तरह समझिए कि आपके पास एक डब्बा है गत्ते का, उसके अंदर आपने सामान भर रखा है। अगर सामान आपने डाल रखा है, तो जाहिर है कि सामान जो है अभी भी रखेंगे तो सामान बिल्कुल साइड से चिपक कर लगेगा, दीवारों से इसकी टच करेगा। हमें इसे बीच में रखना है, तो इसके अंदर फिलिंग करते हैं ना थर्माकोल की, तो हम लोग इंग्लिश में कहते नहीं कि हमने इसके चारों तरफ पैडिंग लगा रखी है, जिससे सामान बीच में रहेगा और आसपास टच नहीं करेगा, बस वही है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग आप लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो सेल पैडिंग से क्या होगा, आप लोगों की सामान यानी कि आपका कंटेंट जो है उसके बीच में स्पेस मिल जाएगा। ये रहा सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग में मैंने लिख दिया 3। और अब आप लोग देखेंगे इसके एट्रीब्यूट्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा स्पेस हो गई, इतने में नहीं समझ आया तो मैं पैडिंग ज्यादा दे देता हूँ, पैडिंग कर देता हूँ 8। और अब आप लोगों को इसका अंतर ज्यादा दिखेगा, ये देखिए आसपास की चीजें फैलने लगी। क्लियर हो गया सभी को। अगला जो है हमारे पास वो है कि हम लोग एक बटन या फिर एक क्लिक करने वाला यहाँ पे टेबल में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एंकर कमांड इसमें जोड़ देंगे। चलिए इसी में नीचे ऐड कर देते हैं, टेबल के नीचे। हाइपरलिंक के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, एंकर। एंकर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके आगे फिर हम लोगों को बताइए इसके एट्रीब्यूट्स क्या देने पड़ते हैं, HREF, कि किससे जोड़ा जाए। तो हम लोग ले लेते हैं www. कोई वेबसाइट ले लिया, इस चीज से जोड़ दिया जाए। और क्या चीज जुड़े, यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि इसे कोई भी आदमी क्लिक करे तो सीधा क्लिक में जुड़े, और यहां से एंकर बंद कर देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका क्या होगा चेंज, जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ क्लिक में बटन आ गया, हाइपरलिंक आ गया। और जैसे ही मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तुरंत गूगल खुल जाएगा, लेकिन गूगल का ये पाथ गलत है, इसीलिए ये आपका नहीं खुल रहा। तो हम लोग एग्जैक्टली वही पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो गूगल का सही पाथ देखिए ये है, तो मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और अब मैंने जाकर आप इसमें पेस्ट कर दिया, क्योंकि इसमें आगे के ये जो सिंटेक्स थे ये नहीं पेस्ट थे, इसीलिए वो नहीं ले रहा था। अब ये कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि इस पर एक बटन बन जाए, तो आप लोग बटन भी डाल सकते हैं। अब बटन कैसे डालेंगे बच्चों, बटन के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इंटरनेट से कोई एक बटन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो दिखने में बटन जैसा हो। तो हम लोगों ने यहाँ से इंटरनेट से एक बटन PNG या फिर कोई भी एक ऐसी बटन डाउनलोड कर ली। देखिए डिफरेंट टाइप की बटन्स मिल जाएंगे, तो इनमें से हमने कोई भी बटन ले ली, मान लो इसी तरह की कोई भी एक बटन डिजाइन कर ली, या लिंक के लिए ये बटन ले ली। बटन को आप लोग सेव कर लीजिएगा, सेव कर लिया, और सेव करना कहाँ पे, डी ड्राइव, वी ड्राइव, जो भी एक लोकेशन आप लोग दे दीजिए, उस लोकेशन में हमने इसका नाम ही दे दिया बटन। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डी ड्राइव में बटन नाम से JPG फाइल सेव कर रहा हूं।
सेव हो गई। अब ये पैटर्न की फाइल जो है ये मेरे उसी पेज में आनी चाहिए। तो यहां पर जहां क्लिक में लिखा था मेरे को फोटो बटन की डालनी है, बताइए कौन सा कमांड आपको करना होगा फोटो इंसर्ट करने के लिए। इमेज src और पूरा पाथ देना पड़ेगा, यही तो पाथ है डी कोलन के अंदर बटन डॉट जेपीजी। ठीक, अब हम लोग इसको रन कराते हैं और जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगा आप लोगों को यहाँ पे देखिए बटन भी दिखाई दे रही है और ये पूरा हाइपरलिंक है। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा हाइपरलिंक गूगल से कनेक्ट हो गया। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने देखा मैंने इसमें कई सारे सिंटेक्स आपके टेबल्स के, इमेजेस के, बटन्स के या फिर हाइपरलिंक के कवर कर लिए। तो हम लोग पहले स्टेप में इतना इस तरीके से करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग पूरा फॉर्म सीख लेंगे तो हमारा टेबल्स, फॉर्म्स, इमेज ये सब क्लियर हो जाएगा।